हर बार ही एक निकालती है, लेकिन मैं कभी करती हूँ कभी और मतलब गेम नहीं करते पे। अच्छा तो खाओ मेरे बैट। सोने शर्मा ब्लॉग्स। सो भाई गुन्नू आज कपड़े वाली बन गई है। गुन्नू ले जा रही है कपड़े सुखाने के लिए बाहर। रख दे टब को बाहर, दे मैं भी सुखाती हूँ। और मैं बनाने जा रही हूँ पहले खाना, फिर पीएंगे चाय। पहले खाना बनाने रखूँ, पापा आ चुके हैं जल्दी से, लेट हो जाएगा। सो गाइस मैं चढ़ाने जा रही हूँ दाल, चाय भी हमारी रेडी होने वाली है, फिर करेंगे काम जल्दी जल्दी। पापा भी आ गए, चल आने दे पापा जा। गाइस अब करते हैं गुन्नू की चोटी, और ये लड़की चोटी करा नहीं रही है खाने के वास्ते। पहले चोटी करा ले फिर खा लियो। गुन्नू कह रही पहले मैं खाऊंगी फिर ही चोटी कराऊंगी। आओ बेटा जल्दी आ जाओ। गाइस गुन्नू आ गई है तैयार होकर, छोटी खाने के लिए रेडी हो गई है खाकर। गर्मी लग रही है, सुबह वाल सूखे नहीं अच्छे से, बहुत उलझ गए वाल। चलो फटाफट फटाफट छोटी करके फिर देखते हैं क्या करते हैं। सो गाइस आज मैंने रूम की सफाई की थी, बहुत ही नीट हुई, सारे जाले वाले झाड़ कर अच्छे से की थी सफाई। आज खिड़की चेंज कर दी है, जा रही हूँ तकी मतलब। सुनो फिलो में कवर तो चढ़वा ही ले भाई, अच्छा सुबह जब देख सकते हैं कितने कपड़े फैले पड़े हैं, कितने मैं आधे में धो चुकी, आधे भी फैले पड़े हैं। जल्दी काम करते हैं, फटाफट कपड़े की रोटी सीखनी है, पापा नीचे बैठे हैं। आ रहा आ गया स्कूल से, देखिए कैसे गांव के लोगों की तरह इसने टी शर्ट को कंधे पर डाल लिया है। गुन्नू कर रही स्टडी। तो नीचे मम्मी आ गई, जो खाना पड़ सो मम्मी को भी क्या है इसमें, उसको सब पता है। हाँ उसको सब पता है, उसने यही पढ़ी है, छांट रहो। उसको उसने सब पढ़ा है, उसे पता नहीं होगा। ठंडा पानी मत पी जाता बाहर से आके। सो गाइस अब लग रही है भूख बहुत ही तेज। सो गाइस मम्मी खाना खा के आई हैं, होने के बारे मैंने अभी किचन साफ़ नहीं किया था, अब आटा उठा के रख देती हूँ मैं, बाकी रोटी तो मैं बना चुकी हूँ। आ रहा चलो भाई खाना खाते हैं, पहले बहुत तेज़ी भूख लग रही है। ये बैग इस पे ही टेबल पे आगे रख दिया, क्या डिस्कस कर रही है? उसने बिल्कुल नई नई बुक है, पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था? एक तो लास्ट में जरूरत पड़ी है ना बुक की, पहले थी नहीं। सो गाइज आज हमने बनाया है दाल चटनी रोटी, खाओ गुन्नू। गुन्नू खाती है मेरे साथ खाना, क्योंकि वो खाती नहीं है, आधा बचा देती है। खाओ गुन्नू। सो गाइज आज पापा बैठे हैं बिल्कुल मुंह लटका कर, आज उनके साथ एक घटना हो गई है। सुबह सुबह उनके 1500 रुपये चोरी हो गए हैं 5वें पुस्ते पर, पर्स वहीं पर छोड़ दिया था उन्होंने, तो पता नहीं किसने निकाल लिए। जो फैक्ट्री है वहाँ पर बहुत लोग आते जाते रहते हैं, तो पता नहीं चला किसने निकाले। तो आज वो सुबह से ही एक तो गुस्सा है सबसे, और मुंह लटका के बैठे हैं। पापा ने मुंह कितना लटका रखा है सच में, सब लोग समझा रहे हैं फिर भी पापा मान नहीं रहे हैं। भाई शाम के बज रहे हैं 5, मैं तो थोड़ा सा काम पड़ा था, इस शर्ट के बटन ढीले हो रहे हैं, अभी अभी शर्ट सिलवाई है, फिर भी सारे बटन पता नहीं कैसे लगाए टेलर ने। ये तो चलो स्कूल की रेडीमेड थी, ये बटन ढीले तो यार स्कूल की हो जाएंगे धीरे धीरे। सो गाइस बैक टू वर्क। गुन्नू सो गाइस गुन्नू को लगी है भूख, वो खा रही है चाय ब्रेड, बहुत तेज भूख लगी थी क्या गुन्नू? और मैंने बना दिया और तू वहाँ पहुँच गई है। आइसक्रीम वाला आया था, वो होता है जिसमें हम घुमाते
तेरी कितनी निकली? मेरी हर बार ही एक निकलती है, लेकिन मैं कभी करती हूँ कभी और निकलती है। अच्छा तो खाओ मजे में बैठ के, और नहीं निकली तो पैसे बर्बाद करो ऐसी मजे में बैठ के। हैं पाँच रुपये का होता है, दो निकल गए तो पाँच रुपये में दो निकल गए, एक निकल गए तो एक निकली गई, तीन निकल गए। चलो पाँच मिनट वेट करो, खाना बन रहा है, उसके बाद फटाफट फटाफट खाना खाना। क्या लॉगिन करा रही है? दोनों देखिए क्या लाया पापा इसमें। ओह गॉड, सब कुछ अपने लिए लेके आए हैं। तो देखिए रख दिए, तो पहन और किसके तेरे लिए लाए हैं? टी शर्ट देख, टी शर्ट टी शर्ट आरफ की लाया कुछ मीडियम साइज आता है ना टी शर्ट का। सब क्या उठा लाए तुम्हें, चलो तुम्हारी अलमारी साफ करो, अलमारी में निकाल दो कपड़े, अभी एसी चला के तब करेंगे क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है। रख दे सारा गुन्नू, हमारे कुछ भी काम करनी है। बोतल में से दूध निकल रहा है ना। अच्छा बेटा खाना खा के सोइए, जल्दी आ आरब। अरे आजा, बन गए। सो गाइस आज अपन बनाया पुलाव। खोलो सारा मिक्स कर लो अच्छे से। सो गाइस आज पापा की डिमांड पे बने हैं पुलाव, मटर वाले, आलू वाले, चटनी, हरी चटनी। गुनू पहले बाबा को दिया नीचे, फिर तेरे मैंने निकाल ही दिए, फिर खा लेना आके, है ना। नहीं खा पाएंगे, पानी बनाना है अभी तो, है ना। आरव भी खा रहा है, खा लेंगे। सो गाइस मैं बनाने जा रही हूँ रोटी, पापा को दे देना। गाइस सब लोग खाना खा चुके हैं, अब मैं भी खा लेती हूँ, मैंने भी अपने लिए पर्स लिया है। खाते खाना बहुत तेज भूख लगी है, 9:30 बज गए। गुनू और खाना है? गुनू को नहीं खाना, उसने भी खा लिया। तो गाइस मम्मी का दूध मैंने बना लिया है, बहुत लेट हो गया, फटाफट देख के आती हूँ मैं। थोड़ा सा इमोशनल हुआ फिर सो गए काफ़ी। ये क्या दी, अब तो गर्मी बहुत लग रही है आगे में, ऐसे जोर से कराटे वाले देखने। आई रहा है वैसे, और यूँ कहेंगे कराटे नहीं मारते हम। तो गाइस रात के बज गए 11 और हम हो गए बहुत ही ज़्यादा लेट। अरे गुन्नू ठीक है, तू फनी बन के बैठी है भाई? मेरे बन गुन्नू पता नहीं क्या कर रही है ये। सो गाइस आज का ब्लॉग आप पूरे देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, लाइक तो ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट। पापा आ गए नीचे, शुभ रात्रि, बाय बाय।